हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज़ जावा एंड वर्ल्ड वाइड वेब. सो नाउ जावा कम्युनिकेट्स विद अ वेब पेज थ्रू अ स्पेशल टैग एपलेट टैग. तो पहले नीचे डायग्राम में देखो, इधर क्या है, रिमोट कंप्यूटर और यूज़र कंप्यूटर. तो सबसे पहले क्या करता है यूज़र, जब डेस्कटॉप पे बैठता है तो वेब ब्राउज़र चलाता है. ठीक है, वेब ब्राउज़र चलाता है तो उसने जो भी एप्लेट, जो भी साइट पे जाना है जिसमें एप्लेट है वहाँ जाता है. तो सबसे पहले यूज़र ने रिक्वेस्ट की जावा वेब ब्राउज़र पर कि मुझे ये पर्टिकुलर एप्लेट चाहिए. तो उसकी रिक्वेस्ट देखो कहाँ जा रही है, रिमोट कंप्यूटर पे, यानी वेब सर्वर पे. जैसे ही वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट गई तो वेब सर्वर ने अपना HTML डॉक्यूमेंट, सारे जो हमारे पेज होते हैं इंटरनेट पे कौन से होते हैं, HTML वाले होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट के, तो वो वाला HTML डॉक्यूमेंट जिसमें एप्लेट है, यानी एप्लेट का टैग है. अब HTML डॉक्यूमेंट तो वेब ब्राउज़र पे आराम से इंटरप्रेट होकर रन हो जाता है, मगर जो एप्लेट है, एप्लेट में जो टैग है वो क्या होएगा, कंपाइल होके बाइट, उसका जो बाइट कोड है वो लिखा हुआ है. तो जो बाइट कोड है वो कहाँ से आया है, सोर्स कोड से. ठीक है, पहला फीचर हमने पढ़ा है कि सोर्स कोड जो है कंपाइल होके बाइट कोड पे जाता है. तो वो बाइट कोड कहाँ पर है, एप्लेट के टैग में. तो अब जो HTML डॉक्यूमेंट देखो वापस जा रहा है कहाँ पर, वेब ब्राउज़र के पास. तो उसमें क्या क्या जा रहा है, HTML डॉक्यूमेंट और बाइट कोड. अब जो बाइट कोड है वो देखो, वेब ब्राउज़र जावा वेब ब्राउज़र है तो बाइट कोड को तो रन कर ही लेगा वो. फिर उसके बाद जो आउटपुट है वो यूज़र को देगा, और यूज़र चाहे वो एप्लेट एक गेम ही है ना, तो वो एप्लेट गेम जो है, गेम उसको मिल गई, अब वो खेल सकता है. अब यही जो हम मैंने पॉइंट्स आपको डायग्रामेटिकली बताए हैं, ये देखो इसमें यहाँ पर 1 to 5 पॉइंट्स तक लिखे हुए हैं. सबसे पहले क्या था, द यूज़र सेंड द रिक्वेस्ट फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट टू द रिमोट कंप्यूटर, यानी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट गई. वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रिक्वेस्ट को उसने प्रोसेस किया, और फिर जो उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था यूज़र को उसने फाइंड आउट करके अब उसको भेजना है ना. द HTML डॉक्यूमेंट इज़ रिटर्न टू यूज़र ब्राउज़र, और वहाँ पर उसने रिटर्न कर दिया यूज़र के वेब ब्राउज़र पे जिसमें एप्लेट का टैग है. तो तब कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लेट जो टैग है इज़ ट्रांसफर टू यूज़र्स कंप्यूटर, और बाइट कोड्स भी वहीं पर चले गए. तो बाइट कोड जो है वो पहले से ही कंपाइल होके, सोर्स कोड से कंपाइल होके बाइट कोड क्रिएट हुए थे, है ना. तो वो जो बाइट कोड है अब जावा इनेबल ब्राउज़र के पास गए, जो वेब ब्राउज़र ने इंटरप्रेट्स द बाइट कोड्स एंड प्रोवाइड द आउटपुट, और वो आउटपुट जो है वो यूज़र देख सकता था. यूज़र में फर्दर इंटरेक्शन विद द एप्लेट विद नो फर्दर डाउनलोडिंग. अब इस वक्त जब यूज़र एप्लेट को यूज़ कर रहा है तो डाउनलोडिंग बंद हो चुकी है, अब कोई डाउनलोडिंग नहीं हो रही है. ठीक है, तो जो वेब, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेब ब्राउज़र्स. जो वेब ब्राउज़र्स जिसमें जो कि जावा इनेबल्ड हैं वो कौन कौन से हैं, हॉट जावा, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो हॉट जावा ये तो सन माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, आपको पता ही है, पहले बता चुकी हूँ कि जब जावा को रन करना था, एप्लेट्स को रन करना था, तो उनको जो ब्राउज़र चाहिए था सन माइक्रोसिस्टम्स को, तो उन्होंने खुद ही ऐसा ब्राउज़र बनाया जिसमें जावा रन हो सकता है. इवन हॉट जावा इज़ रिटन इन जावा लैंग्वेज. तो दिस डिस्प्लेज द इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट ऑन द ऐप. इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि अगर वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऑपरेशन होते हैं. जैसे हम ये एक गेम रख लेते हैं कि बॉल्स आ रही हैं, तो बॉल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, जितने बॉल्स पे क्लिक करते हैं उतने स्कोर करते हैं, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना. जैसे जैसे उस बॉल पे बॉल्स बन रही हैं, सर्कल्स बन रहे हैं, वहाँ क्लिक करी जा रहे हो, तो वो 10 हैं तो अब 9 रह गई, फिर 8 रह गई. तो दिस इज़ एन इंटरेक्शन ओनली. ओके, सो व्हेन द जावा लैंग्वेज वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एंड पोर्टेड टू द इंटरनेट, नो ब्राउजर्स वर रेगुलरली अवेलेबल फॉर
रन टू रन द जावा एप्लेट्स। पहले जब सबसे पहले जो जावा एप्लेट्स बने तब कोई भी वेब ब्राउज़र जावा को सपोर्ट नहीं करता था, तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा हॉट जावा वेब ब्राउज़र बनाया जिस पे एप्लेट्स रन हुई। फिर उसके बाद जावा इतना पॉपुलर हो गया कि नेटस्केप नेविगेटर ने भी ऐसा ये जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट करने लगा जावा को, एंड कैन रन जावा एप्लेट्स। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सपोर्ट करने लगा एप्लेट्स को। आगे है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपके सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है कि अगर जो प्लेटफॉर्म है वो सोलरिस हो तो उसकी जो मेमोरी है वो 64 MB हो, ब्राउज़र मोजीला हो 1.4 और डिस्क स्पेस 32 बिट हो विद 65 MB, तब भी आपका जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विंडोज़ का XP वगैरह हो उसमें 64 MB मेमोरी हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो 98 MB हार्ड डिस्क हो, तो आपका रन हो जाएगा जावा का प्रोग्राम। ओके, अब उसके बाद ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, लिनक्स का हो 32 बिट रेड हैट वाला तो उसमें मेमोरी 64 MB हो, मोज़िला 1.4 इंस्टॉल्ड हो ब्राउज़र और 58 MB हार्ड डिस्क हो, तो आपका जावा रन हो जाएगा। तो ये आपके सारे प्लेटफॉर्म मेमोरी ब्राउज़र्स हैं, डिस्क स्पेस कितनी चाहिए सबको, ये सब टेबल उसको मेंशन किया हुआ है। अब आगे जाके है कि जावा जो सपोर्ट सिस्टम्स, तो ये इंटरनेट कलेक्शन भी सपोर्ट करते हैं, वेब सर्वर आपको पता ही है कि आप कौन सा प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, वेब ब्राउज़र जो वेब पेजेस को रन करता है, HTML आपके वेब पेजेस हैं, एप्लेट का टैग आपका एक बाइट कोड्स उसमें होते हैं जो कि जावा का प्रोग्राम को रन करते हैं, जावा कोड दैट मीन्स जावा एप्लेट्स, बाइट कोड जो सोर्स कोड को कंपाइल करके बनता है बाइट कोड, प्रॉक्सी सर्वर ये इंटरमीडिएट सर्वर होता है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच, मेल सर्वर जो सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। आगे हम करेंगे जावा इन्वायरमेंट। जावा इन्वायरमेंट में जो जावा डेवलपमेंट किट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो एप्लेट व्यूअर जिससे हम एप्लेट्स को व्यू कर सकते हैं, जावा सी कंपाइलर के लिए यूज़ होता है, अकेला जावा, जावा इंटरप्रेटर है, जावा पी जो होता है वो जावा डिसअसेंबलर होता है विच इनेबल्स अस टू कन्वर्ट बाइट कोड्स इनटू प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, जावा डॉक डॉक्यूमेंट फाइल्स मेंटेन करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट फाइल्स में क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये क्या करता है, किस लिए हमने इस क्लास को बनाया है, ये सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जो है वो हम जावा डॉक में तैयार करते हैं। जावा DB JDB मींस जावा डीबगर, जावा डीबगर विच हेल्प अस टू फाइंड द एरर्स इन द प्रोग्राम। अब नीचे API देखो, पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं जो जावा जब हम बनाते हैं कोडिंग प्रोग्राम बनाते हैं तो वो होता है आपका जावा सोर्स कोड जो कि कहाँ लिखा जाता है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे, चाहे आप नोटपैड में लिख लो, है ना। तो उसके बाद वो सोर्स कोड से दो चीज़ें हो सकती हैं, जावा सी से कंपाइल होके वो क्लास फाइल बन सकती है और जावा डॉक से वो HTML फाइल्स बन जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद जो जावा क्लास फाइल है, यानी क्लास फाइल कौन सी होती है जिसमें बाइट कोड्स होते हैं, उससे जावा एच हेडर फाइल बन सकती है और आगे जब वो बाइट कोड्स हैं उनको जावा यानी इंटरप्रेटर के थ्रू वो आउटपुट दे देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है JDB यूज़ हो जाता है फॉर डीबगिंग। तो इसमें जो पैकेजेस हैं ये है जावा API, ये जो जावा के पैकेजेस हैं एक तो है लैंग्वेज पैकेज, तो एक क्या कहते हैं लैंग्वेज पैकेज में java.lang, उसमें स्ट्रिंग मैथ वगैरह की क्लासेस होती हैं। आगे यूटिलिटी पैकेज जिसमें टाइम और डेट का डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, इनपुट आउटपुट पैकेज जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं आउटपुट शो कर सकते हैं, नेटवर्किंग पैकेज मीन्स इसमें नेट वो पैकेज होता है जिसमें अगर आप दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन चलता है, सपोज़ एक में क्लास है दूसरे में ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो नेटवर्किंग पैकेज के थ्रू पॉसिबल है। AWT पैकेज यानी
जैसे यूज़र इंटरफेस होता है ना, जिसमें हम देखते हैं कि आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, वो यूज़र फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि आप जहाँ पर बटन होता है वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे ईमेल आईडी है, जहाँ यूज़र नेम है वो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स में आपने यूज़र नेम लिखना है ना, ईमेल आईडी लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे क्या है, पासवर्ड, वो भी एक लेबल है। जहाँ पर पासवर्ड का बॉक्स आता है वो भी एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम कहते हैं कि दिखेगा नहीं ना, स्टार्स दिखेंगे, मतलब जो आप इनपुट करते हो वो पासवर्ड नहीं दिखता। और फिर नीचे बटन आता है क्लिक। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स वगैरह, ये AWT पैकेज में होता है। एप्लेट जो हम करके चुके हैं वो एप्लेट पैकेज में होता है। तो आगे जाके हम करेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसमें JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। ये वो मशीन है, JVM एक पर्टिकुलर प्रोग्राम ही है जिसमें बाइट कोड्स को इंटरप्रेट करके रन हो जाता है, जो कि जावा को पोर्टेबल बनाते हैं ना, कि बाइट कोड्स कहीं पर भी कर दो वो रन हो जाएंगे जहाँ पर JVM की मशीन होगी। रन टाइम क्लास लाइब्रेरीज, यूज़र इंटरफेस टूल किट्स, जैसे AWT स्विंग्स हो गई है ना, डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज होगी, जावा प्लग इन, जावा वेब स्टार्ट। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप मुझे प्लीज़ इसकी असाइनमेंट्स सेंड कर दीजिएगा टिल ट्यूसडे। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।